हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लव गुरु के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आज का पहला सवाल भेजने वाली है गरिमा। गरिमा कहती है कि हाय लव गुरु जी। हेलो गरिमा। लव गुरु जी, मैं एक कोचिंग में पढ़ाती हूँ, वहाँ पर एक सर भी हैं जो पढ़ाते हैं। कई बार मुझे ऐसा लगता है ना कि वो सर मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि वो बहुत मेरे बारे में बातें करते हैं दूसरों से, दूसरों की क्लास में। मतलब कभी भी मेरी शिकायतें या कुछ भी नहीं करते हैं। और मैं उसी कोचिंग में पढ़ाती हूँ तो कई बार मुझे अच्छा भी नहीं लगता, बट मुझे बुरा भी नहीं लगता जब वो मेरी बातें करते हैं या मेरी तारीफ करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनके दिल की बात कैसे जानूं। ओह, तो ये बात है गरिमा। आप दोनों लोग एक ही कोचिंग में एक साथ पढ़ा रही हैं, तो एक दूसरे से बहुत सारी बातें जान सकती हैं। जब आप फ्री हो तो आप उनसे बातें कर सकती हैं। या तो आप उनको ऐसे ही इशारों इशारों में या फिर बात बात में भी आप बोल सकती हैं कि सर बच्चों से ऐसी बातें ना करें तो अच्छा होगा। और फिर आप उनसे पूछ लीजिए कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। मतलब होता है ना, एक तरीका होता है ऐसे ही, नॉर्मली हम पूछ लेते हैं कि अच्छा और आपकी गर्लफ्रेंड का क्या हाल चाल है, तो शायद वो कोई जवाब दें और आपको भी आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर ये तरीका अपनाइएगा। ओके, गुड लक। आज का दूसरा सवाल भेजने वाले हैं रवि। रवि कहते हैं कि हेलो लव गुरु जी। हाय रवि। लव गुरु जी, मेरी दुकान है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, कॉस्मेटिक वगैरह की दुकान है। मेरे दुकान पर एक लड़की सामान लेने के लिए आती है, मतलब कुछ भी उसको लेना होगा ना, उसको मालूम है कि कुछ चीज़ें मेरे दुकान पर नहीं हैं। तो वो ऐसे बोलती है कि कब आ जाएगा। मतलब मुझे उस लड़की से ऐसा लगता है ना कि उसके लिए दुनिया में सिर्फ एक ही शॉप है और वो मेरे ही शॉप पर आएगी। कई बार मैं उसे बोला हूँ कि मैम ये सामान हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोलेगी कि आप मंगा दीजिए ना। मतलब मुझे उसको ऐसा देख कर लगता है कि वो मुझे देखने के लिए या फिर मुझसे बातें करने के लिए भी आती है। यहाँ तक कि वो कई बार बहुत देर तक मेरे शॉप पर रुकती भी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे उस लड़की से आगे की बात जानूं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि उसके दिल में क्या है, क्योंकि कई बार मुझे भी अच्छा लगता है और मेरे कस्टमर खड़े होते हैं, लेकिन मैं उस लड़की से बात करने में लग जाता हूँ। ओह, तो ये बात है रवि। रवि, आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं और आपको भी अच्छा लगता है उनसे बातें करना, तो अगली बार जब वो आपके शॉप पर आएँ और कोई सामान ना हो, तो आप उनको ऐसे बोल सकते हैं कि मैम, या जो भी आप बोलते हो, आप अपना नंबर लिखा दीजिए और मैं आपको आ जाएगा तो मैं कॉल कर दूँगा। तो देखिए, वो नंबर देने में हिचकिचाती हैं क्या। अगर वो हिचकिचा रही हैं, इसका मतलब कि नहीं, वो सिर्फ अपने काम के लिए ही आती हैं। और अगर वो नंबर दे दे रही हैं आसानी से, तो आप उनको एक बार ऐसे ही नॉर्मली कॉल और मैसेज कर सकते हैं। अगर वो इंटरेस्टेड होंगी तो आपसे ज़रूर बात करेंगी, और उनको अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप दोबारा फ़ोन नहीं कर सकते। और फिर आप समझ जाइएगा कि नहीं, वो सिर्फ काम के लिए ही आती हैं और उनको दूसरे दुकान पर जाना अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि वो आपके दुकान पर आते आते उतना सीख गई है ना, तो शायद इसलिए। ओके, ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई सवाल है प्यार से जुड़ा हुआ, रिश्ते से जुड़ा हुआ, तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9821382999। हमारा मेल आईडी है khabarlehriyadelhi@gmail.com khabarlehriyadelhi@gmail.com। हम आपसे अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।